हाय स्टूडेंट, पहले से हमने कुछ डिस्कस किए थे क्वेश्चन आंसर। अभी देखो नंबर 7 से हम शुरू करेंगे। तो कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स, मतलब कंपेयर करना है और दोनों को जो दोनों दिया है कंपेयर करना और उसके बॉक्स को हम पूरा करेंगे। ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा कि इक्वल होगा कि कांट बी डिटरमाइंड, ये हम पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके बारे में हमको जानना चाहिए, ताकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जो ओलंपियड में, उसको हम सही से उसका सॉल्व कर सकें। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, डी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, वी का मतलब। तो मैं छोटा सा स्क्रीन के माध्यम से आपको इसके बारे में समझाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको रोमन नंबर्स बोलते हैं, इसको रोमन नंबर्स बोलते हैं। तो देखो एक को कैसे लिखते हैं, दो को कैसे लिखते हैं, तीन को कैसे लिखते हैं, ये रोमन में आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जैसे एक्स का मतलब 10 बोलते हैं, उसके बाद देखो डबल एक्स 20 है, ट्रिपल एक्स 30 है, एक्स एल यानी 40 है, एल का मतलब 50 है। वहाँ आप देखिए सी का मतलब 100 है, उसके बाद डी का मतलब 500 है, डी सी का मतलब 600 है, उसके बाद आपको सी एम का मतलब देखिए 900 है, एम का मतलब 1000 है और भी का मतलब 5000। तो रोमन नंबर जानने के बाद हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये दोनों में कंपेयर करेंगे, तो उनमें से कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन। तो इसमें डी सी सी एल एक्स भी ग्रेटर देन सी डी एल डबल एक्स 2, ये है आपका सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि ग्रेटर देन। चलिए दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में इन नंबर 27895 यानी 27895 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट हैज सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी वो दोनों का जो नंबर है वो दो एक ही जो नंबर है, दोनों का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व करना है कि कौन सी ऐसी नंबर है दोनों है, उसका सेम प्लेस भी होना चाहिए और फेस वैल्यू। तो यहाँ 27895 में ओनली 5 एक ऐसे है नंबर से जिसमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक ही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी 5। नंबर 9 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द गिवन नंबर्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से बढ़ता है, जैसे 10 है, 9 है, उसके बाद 8 है, 7 है, ऐसे आपका ऊपर से नीचे आएगा। तो ये डिसेंडिंग है ऊपर से नीचे। तो इनमें से जो आपका पिक्चर दिया गया, इस पिक्चर में आपको ये देखना पड़ेगा जो ऑप्शन आपको दिया गया उस ऑप्शन का सीक्वेंस बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं पी में क्या है, 38750। अगेन क्यू में क्या है, 38075। एंड आर में क्या है, 38705। एंड एस में क्या है, 38775। तो इसको हमने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो आपने ऑप्शन बी में, चलिए ऑप्शन बी में जैसे सबसे पहला एस है, एस मतलब 38775, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद पी आएगा 38750, अगेन आर आएगा 38705, देन लास्ट क्यू 38075। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए आपको देखना है सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद और छोटा कौन है, उसके बाद और छोटा कौन। तो ये सीक्वेंस आएगा ऑप्शन बी, एस पी आर क्यू। चलिए नंबर 10 में चलते हैं। 56450 इज सेम एच डैश। आपको इसमें आपका चुनना है जो इसमें नंबर्स है, इसमें कौन सा 56450 है। तो इसमें ऑप्शन बी में आप चलिए देखिए 56450, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर इफ इन द नंबर 25468 द डिजिट एट 1000 प्लेस,
and tenth place are interchanged, then original number is dash. The number क्या मतलब आपको इसमें बोल रहा है 25,468 इसमें 1000 प्लेस का और 10 प्लेस का दोनों नंबर्स को हम चेंज करना है. चेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा जो कि उसके साथ दोनों का क्या उसमें होगा, यानी कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा. तो हमको ये देखना पड़ेगा, पहले हमको लिख लेना चाहिए इसको 25,468. उसके बाद दोनों का हमने 1000 प्लेस का 5 है और 10 का है 6 है, ये दोनों में अदली बदली कर देते हैं ताकि दोनों संख्या को हम कंपैरिजन करेंगे. जो कंपैरिजन करने के बाद उसका एक्चुअली जो नया नंबर मिल रहा है उसमें छोटा है कि बड़ा है, ओरिजिनल से हमको चेक करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली अगर हमने 6 और 5 को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जो 6 उधर जाएगा तो वो ओरिजिनल नंबर, और इसमें आपका क्या होगा कंपैरिजन करते समय हम देखने के लिए ये मिलेगा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, स्मॉलर देन, यानी ओरिजिनल नंबर इज स्मॉलर देन न्यू नंबर्स. चलिए हम ऑप्शन बी को हमने इसमें करेक्ट आंसर मानेंगे. अगेन 12 नंबर, द नंबर ऑन द हेड्स शोज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको इसमें एक हैट यानी टोपी दिखाई दे रहा है, उसमें नंबर लिखा हुआ है 300, तो उसको एक्चुअली क्या करेंगे, बेस्ट एस्टिमेट जो ऑप्शन दिया गया उसका नज़दीक कौन सी ऐसे नंबर्स है उसको हमने चुनना है ताकि ये सही आंसर मिल सके. तो 300 का नज़दीक कौन है, 195 है नहीं, 20 है नहीं, 205 है नहीं है, ऑप्शन डी 305 है यानी 305 है, हाँ या दैट इज़ द करेक्ट, यानी 300 और 305 में हम नज़दीक पहुँच रहे हैं, मैंने एस्टिमेट है, बेस्ट एस्टिमेट है 305, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जो इसमें बकेट दिया गया है, तो चार बकेट है और इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, पी का मतलब 2709 यानी 2709, क्यू का लिखा गया है 2799, आर का मतलब 2750, एस का मतलब 2790. तो इसमें ऑप्शन दिया गया पी इज द लार्जेस्ट एमंग ऑल द नंबर्स, पी है क्या, नहीं रॉन्ग है, ये पी तो एक्चुअली 2709 है, उससे बड़ा भी है, क्यू भी है 2799, यानी पी इज द रॉन्ग. अगेन बी देखो, एस इज द स्मॉलेस्ट एमंग ऑल द नंबर, सबसे छोटा एस है क्या, एस है नहीं है, क्योंकि 2790 से भी छोटा कौन है, पी है 2709, तो ये भी ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में जो लिखा है कि पी इज द स्मॉलेस्ट एमंग ऑल द नंबर्स, या करेक्ट, पी सबसे छोटा है क्योंकि 2709 के अलावा और कोई भी ऐसे नंबर से नहीं है इससे कम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा मीनिंगलेस, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे एक्स भी मतलब आपको पता है कि एक्स मतलब 10, भी का मतलब 5 यानी 15, उसके बाद ऑप्शन बी में एक्स आई एक्स यानी आपका ये 19 है, रोमन में लिखा है एक्स आई एक्स और इसको नंबर में लिखेंगे तो 19 होगा. ऑप्शन सी देखिए, आई एक्स आई भी, ऐसे कोई नंबर नहीं है कि 9 और 4 होगा, तो ये रॉन्ग आंसर है, ये ऑप्शन सी इज रॉन्ग यानी मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आई एक्स आई भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसको हमने बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सी इज मीनिंगलेस, ये सही आंसर है.